हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टॉलीवुड स्टार विजय देवरकोंडा ने आज अपने फैंस को एक जबरदस्त खबर सुनाई है। तेलुगु सिनेमा में अपनी धमक जमा चुके विजय देवरकोंडा ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद फैंस खुशी से झूम रहे हैं। विजय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो जल्दी निर्देशक सुकुमार के साथ हाथ मिलाकर दर्शकों को फुल टॉस एंटरटेन करने वाले हैं। विजय देवरकोंडा के इस ट्वीट से साफ है कि विजय देवरकोंडा ने फिल्म निर्देशक सुकुमार के साथ हाथ मिला लिया है। हालांकि इस फिल्म के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। फिल्म के ऐलान के वक्त शेयर करते हुए पोस्टर से साफ है कि ये फिल्म साल 2022 में रिलीज होने की तैयारी के साथ बनाई जाने वाली है। इस फिल्म को केदार सिलागम शेट्टी प्रोड्यूस करने वाले हैं। गाइस, आपको बता दें कि सुकुमार इन दिनों अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा को लेकर सुर्खियों में है। इस फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है और इससे फैंस में भारी क्रेज है। ये फिल्म मल्टी लैंग्वेजेस में, जिसे हिंदी में भी बनाया जा रहा है, रिलीज होगी। इसी के साथ हिंदी दर्शकों के बीच पहली बार अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म के साथ सिनेमाघर पहुंचेंगे। फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना दिखने वाली हैं, तो वहीं विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी फिल्म फाइटर को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में एक्टर के साथ अनन्या पांडे भी ऑन स्क्रीन दिखने वाली है। पैन इंडिया तर्ज पर बनने वाली ये फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज होगी। इस फिल्म को धर्म प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है। वैसे आपको इनमें से किस फिल्म का इंतजार है, कमेंट जरूर करें। टिल देन, फॉर मोर गुड कंटेंट कीप वाचिंग नो अबाउट ऑल। आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।